सो हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम टू अनदर न्यू एंड फ्रेश ब्लॉग ऑफ ऋषभ द ब्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई गेस आप सभी बहुत ही ज्यादा मौज में होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो गाइस आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ज्यादा स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि गाइस आज आप लोगों को शेयर कराने वाले हैं दुबई का, वो भी बोकारो में रहते हुए। तो गाइस आप लोगों को दुबई नहीं जाना है ना कि मेरे को जाना है, लेकिन हम लोग फिर भी शेयर कर लेंगे कैसे, क्योंकि गाइस दुबई कार्निवल 2024 आ चुका है बोकारो में। तो चलो वो एक मेला है, ठीक है? तो आपको मेला घुमाने वाला है, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। सो गाइस हमेशा की तरह हम अकेले तो जाने वाले हैं नहीं, तो हम जाने वाले हैं मेरे फ्रेंड्स के साथ, जो कि स्कूटी में बैठे हुए हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो क्राउड स्टार्ट हो गया है, इधर दिखाओ भाई, देखो भाई क्राउड कितना ज्यादा है। और ये अरे भाई बहुत सुंदर लग रहा है यार, तो देखो गाइस कितना सुंदर लग रहा है बाहर से, और इतना ज्यादा क्राउड है हम तो सोचे भी नहीं थे भाई। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं गेट के पास, और ये देखो कुछ ऐसा है दुबई कार्निवल 2024 का एंट्रेंस, तो बड़ा सेक्सी लग रहा है एंट्रेंस, है कि नहीं? ये देखो। सो गाइस क्या फायदा इतना प्रमोशन करने का जब आपको पैसा देके टिकट खरीदना पड़े। तो चलो गाइस टिकट मिल चुका है 20 रुपीज इच, और चलो चलते हैं, आ जाओ। तो उधर एक भैया थे वो ना सोर्स पैर भी लगा रहे थे, तो उनका सोर्स पैर भी का तीन खेत दिया गया है, उनको नहीं आने दिया गया। तो गाइस ऐसा कुछ है, आ जाओ। सो गाइस दुबई का ऊंट सुनो, दुबई घुसे नहीं कि दुबई वाला फील आ गया, ऊंट दिख गया पहले ही हम लोगों। और इधर दुबई म्यूजियम है गाइस। सो गाइस पहुंच गए हैं दुबई कार्निवल 2024, और पीछे दिखाओ भाई कितना खतरनाक है। तो एकदम भाई इधर दिखो, इधर तो सेक्सी वाला आईफिल टावर यहीं से दिख रहा है, आईफिल टावर बुर्ज खलीफा, और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या रहता है, ठीक है? बहुत ज्यादा मजा आएगा। और ये लोग देखो बिन बुलाए मेरे को आ गया है, क्या रे मेरे को बिन बुला के आ गया गाइस, ठीक है? मेरे को बोल नहीं सकता था, तुम्हारा बोल के आता नहीं है। एक बार तुम बोला, ये देखो भाई ये रहा आईफिल टावर बोकारो में, तो अब से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आईफिल टावर बोकारो में हम लोग को मिलने वाला है। ये देखो मेरे पीछे बुर्ज खलीफा, तो गाइस यहाँ पे बुर्ज खलीफा है, ठीक है? और ये देखो यहाँ पे है आईफिल टावर, और एक्सप्लोर करना पड़ेगा बहुत कुछ है। उस साइड में अलग मेला है, इस साइड में सारा बड़ा बड़ा मॉन्यूमेंट्स है, तो देख सकते हो। मेरा कैमरा मत गिरा देना भाई कोई, ये क्या है? ओ ये जो दो बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स नहीं रहता है वो वाला है, ठीक है? तो बहुत कुछ है भाई यहाँ पे देखने लायक, तो आप लोग एक बार जरूर आना इससे पहले कि मेला खत्म हो जाए। सो गाइस ये जो आपको दिख रहा है ये है दुबई फ्रेम, और दुबई फ्रेम के जस्ट बगल में ये है बुर्ज खलीफा, ठीक है? और उधर में 7-स्टार होटल दुबई का बुर्ज अल अरब, और इधर में है दुबई म्यूजियम, और ये बस ऐसे ही बना हुआ है, ये आईफिल टावर है, और ये जो दो ट्विन टावर्स है दुबई का वो है, ठीक है? उधर अलग मेला लगा हुआ है, इधर से हम लोग एंट्री लिए हैं, और ऐसा यहाँ पे एक फ्रेम में फोटो वोटो ले लेंगे। इधर है इधर है मेरा दोस्त, छाती में बाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये देखो भाई ये है दुबई म्यूजियम, है ना? देखो सब दुबई म्यूजियम इतना छोटा सा हो गया, ठीक है? सब छोटा हो गया यहाँ पे, क्या हो गया? छोटा स्मॉल लाइट से छोटा कर दिया गाइस, ठीक है? ये देखो ये है 7-स्टार होटल बुर्ज अल अरब, और सब आईफिल टावर के अंदर चल जा रही है। ये बोकारो ही ऐसा जगह है जो दुबई का मजा आप लोगों को दिला सकता है, और वो भी कुछ ही दिन के लिए, ठीक है? ये देखो तो अभी हम लोग गाइस कहाँ से आ रहे हैं, 7-स्टार होटल से उतर रहे हैं। ये लड़की के साथ मौज कर रहा था रेट बढ़ गया था, होटल से बाहर निकल गया है तो अभी ट्विन टावर्स के बीच से हम लोग जाने वाली है। देखो ये था ट्विन टावर्स। सो गाइस बहुत ज्यादा गर्मी है, तो थोड़ा कूल डाउन होने के लिए कुछ पीना पड़ेगा लगता है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि कुछ खाने पीने का यहाँ पे है कि नहीं है। यहाँ वो 1-स्टार होटल में चलते हैं ना, वहाँ पूरा हवा है 1-स्टार होटल। सो गाइस अभी ना इस साइड हम लोग पूरा बुर्ज खलीफा में सब चीज में चढ़ बढ़ के फोटो वोटो खिंचवा लिए, ठीक है? और ये देखो इस साइड में था इतना कुछ, और
उस साइड में जितना झूला वूला है ना उधर है, और इधर एक कोई मेला अलग से लगा हुआ है, ठीक है, कुछ बेच रहा है उधर, तो देखते हैं क्या क्या मिल रहा है उधर। तो गाइस अभी हम लोग दूसरे साइड में आ चुके हैं, और इस साइड में सारे देखो झूला वूला है, ये देखो, तो बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। हर बार की तरह इस बार भी हेमंत मेरे को फोर्स कर रहा है कि इसमें चढ़ो, तो मेरा हालत खराब हो जाता है, ये जानता है, ठीक है। इसमें चढ़ा ये इसमें सब में नहीं, ये इसमें तुम चढ़े तो तुम सब में चढ़ो यार, इसमें चढ़े तो तुम में सब में चढ़ाएंगे, नहीं चढ़ना गाइस, ठीक है। आई डोंट एक्सेप्ट द ऑफर, मेरे को ऑफर नहीं चाहिए भाई। अरे चढ़ेंगे इसमें, तो गाइस मेरे को इसमें चढ़ने का ऑप्शन मिल रहा है, हम इसमें एग्री है, लेकिन हम उस गोल वाला चीज में नहीं जाएंगे भाई, गोल चीज हमेशा भयानक होता है, समझा। तो गाइस इधर ना सिर्फ खाने वाला स्टॉल सभी है, कुल्लड़ चाय भी है, सब कुछ है। तो अभी हम लोग ना सोचे कि अब बाहर निकले, क्योंकि बहुत लेट हो गया है, और अभी हम लोग को खाना है मोमोज भी। तो गाइस यहाँ पे कंज्यूमर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट जोन भी है, तो चल देखते हैं कि अंदर क्या क्या रहने वाला है। तो ऐसा कुछ है अंदर, ये देखो, तो कपड़ा वपड़ा मिल जाएगा इधर। स्पेक्स भी मिल रहा है, पर्दा वगैरह। हेलो हेलो हेलो, क्या मिल रहा है भाई? ये तो सूखा सूखा खाने वाला आइटम, क्या क्या है देखो, बहुत सारा जूती का ऑप्शन है यहाँ। भाई देखो ये सारा ना ड्राई फ्रूट्स है, ठीक है, अलग अलग 1600 रुपए किलो का है, खिला सकता है अपनी वाली को। ये देखो भाई बहुत कुछ, ये सारा ड्राई फ्रूट्स है, ठीक है, बहुत आइटम यहाँ पे मिलता है, ये देखो, तो नया नया आइटम है, आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे। एमसीक्यू क्वेश्चंस, कौन सा पिस्ता बादाम लेना चाहिए बताओ, ये बहुत सारा है भाई ऑप्शन, क्रिसमस का ऑप्शन दे कितना सारा है, ये एग्जाम में होता है ना, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जैसा है कि कौन सा लेना चाहिए, बहुत सारा वैरायटी, बहुत सारा ऑप्शन है। तो ये क्या है भाई, नया टाइप का चीज दिख रहा है, ये देखो ये क्या है, ये क्या है, हलवा है, ये देखो हलवा, ये सारा ये हलवा है, क्या चीज, क्या चीज का हलवा देख रहे हो गाइस, हलवा ड्राई फ्रूट का, ड्राई फ्रूट का हलवा, ड्राई फ्रूट का हलवा, ये है पर ये सब चिप्स उप्स है रे, ये कैसा कलर का चिप्स है गाइस, ये देखो कलरफुल चिप्स, बहुत सारा वैरायटी है, ठीक है, अचार, अच्छा इधर अचार भी है, ये देखो पैर वाला भी रखते हैं, यार ये सब मिलेगा। तो गाइस आप लोग ले सकते हो, बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे, इतना चीज है ना क्या बताए आप लोगों, खत्म ही नहीं हो रहा है, ये देखो। सो गाइस मेरे को नहीं पता था कि इस पंडाल के अंदर इतना कुछ मिल रहा है, मतलब अचार से लेके पापड़ से लेके ड्राई फ्रूट से लेके सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है, कपड़ा वगैरह। तो यहाँ पर आप लोग एक बार आओ, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है, दुबई का भी फील ले सकते हो, और इधर पूरा मार्केट टाइप लगा हुआ है, और उस साइड में खाने वाला भी आइटम है, तो बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो हम कितना ही चीज़ ब्लॉग में दिखाएंगे, तो आप लोग एक बार आओ और एक्सपीरियंस लो। सो गाइस ये हाथी का बच्चा मिल रहा है यहाँ पे, ये देखो हाथी का बच्चा इधर, ठीक है, सारा मतलब क्या बोले, वुडन वर्क वाला चीज भी है, आर्किटेक्ट, ठीक है, बस शादी में तुम्हारे ससुर को बोलना यहीं से लेके जाना, समझे, ये देखो। सो गाइस अब फाइनली निकल चुके हैं मेला से, और अभी टाइम हो रहा है, ये देखो 10 बजने वाला है, ठीक है, तो चलो चलते हैं,
मोमोज दुकान के पास, क्योंकि मोमोज खाने का मन कर रहा है। गाइस देखो अभी मोमोज हम लोग खाने के लिए आ गए थे और यहाँ पे ना जितना भी स्टॉल है सब कुछ बंद हो गया है, तो अभी हम लोग तीनों मोमोज लिए हैं, बस एक ही स्टॉल खुला हुआ है। और ये देखो हम लोग फेवरेट चटनी जो येलो वाला होता है ना, वो मिला ही नहीं। देखो बहुत रात हो गया, अभी ना मोमोज खाने के बाद ना बहुत ज़्यादा प्यास लग गया था, तो अभी हम लोग आगे कुछ पीने के लिए, तो हम लिए हैं हाँ पेप्सी। और हेमंत लिया क्या लिया भाई? हमने लिया ये देखो बियर पी रहा है बियर नहीं, नहीं नहीं रेडबुल पी रहा है गाइस। ठीक है, हालत ख़राब हो गया था गर्मी से, पहली बार ट्राई कर रहे यार रेडबुल, देखते एक्सपीरियंस बताने कैसा लग रहा है, कैसा है? दवाई दवाई जैसा लग रहा है भाई, यही बढ़िया है। ये लड़का पता है क्या किया है, ये देखो ये रेडबुल है, रेडबुल में मिला है ये पेप्सी, क्यों भाई? मर गया तो हम लोग का रिस्क हो जाएगा ना, हम लोग तुमको लेके आए, मार मुरा दिए हैं। ऐसे मत पिया करो, अच्छा बना लिया। हाँ एविडेंस है, अगर अहलिया कुछ हुआ तो हम लोग उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये पेप्सी और ये रेडबुल और ये अहलिया रिस्पॉन्सिबल है।